उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास को और देखेंगे कि आज की क्लास में हमें क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं वो आज पिक करने हैं। आते ही भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑडियो वीडियो कैसा है, जल्दी से आ जाएं, जल्दी 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 भाग के आओ, भाग के जल्दी जल्दी। आते ही सबसे पहले ये बताएं कि ऑडियो वीडियो कैसा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि यूट्यूब हमारा साथ देगा। बुशरा चौधरी, रचना, रेनू डागर, उषा रानी, निधि शर्मा, हिना खान, अक्षय यादव, सभी लोग आ चुके हैं भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। नीतू, तरुण, गुरु भाई, निधि शर्मा, संजय कुमार, राखी धीमन, राजकुमारी कुशवाहा, बबीता कुमारी, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। और जब तक कि बाकी सब लोग आए तब तक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये अपनी शिक्षा सागर एप्लीकेशन है, और रोज़ की तरह फिर से हीरा खान अभी तक गोल्ड ट्रॉफी लिए बैठी हैं, करीब 4751 सही जवाब देकर। ये पूछा था मुझसे कई लोगों ने कि ये ट्रॉफी मिलती कैसे है, तो जब आप ये एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करोगे और सीटेट की कैटेगरी में जाकर मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, तो आपको यहाँ रैंकिंग मिलती रहेगी और उसके हिसाब से आपको ट्रॉफी मिलती रहेगी। तो जिस दिन आप यहाँ पहुँच जाओ गोल्ड ट्रॉफी पर, उस दिन मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना या फिर आप मुझे फेसबुक पर टैग कर देना, जहाँ इच्छा आपकी वहाँ टैग कर देना, बस मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग जीत गए हो। और जो भी वही सबसे पहले जीतेगा उसको एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मेरी तरफ से रहेगा, तो बताएं ज़रूर, ऐसा ना हो कि जीत भी गए और मन में रख के बैठ जाओ बात को, दुख मन में रखते हैं, खुशी मन में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आगे सुनो, डाउट क्लियरिंग पूरा वीक था हमारा, आज इस हफ्ते का आखिरी दिन और ये डाउट क्लियरिंग वीक का आखिरी दिन। मंडे से सवाल भी मेरे होंगे, जवाब भी मेरे होंगे, और आप लोगों के क्या होंगे प्रयास सवालों को सॉल्व करने के, ठीक है। और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं भाई, कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल डाल देना, अपने आप मैं पिक कर लूँगा ढूंढ कर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जो पूछा है कीर्ति रानी ने, इनका क्या सवाल है, इनका सवाल है लटका हुआ घोंसला कौन बनाता है, वीवर बर्ड या फिर शकरखोरा। मतलब देखो ये जेन्युइन क्वेश्चन है इनका, कि इनको कन्फ्यूजन है दो चीज़ों में, कि वीवर बर्ड लटका हुआ घोंसला बनाता है या शकरखोरा, तो कन्फ्यूज है, तो बताओ जल्दी से बताओ, आप पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा, इन दोनों में से कौन जो है लटका हुआ घोंसला बनाता है, मतलब हैंगिंग नेस्ट, हैंगिंग नेस्ट कौन बनाता है, बताएं जल्दी से। सर अक्षय यादव जी, आपका मुझे समझ नहीं आया, कशक किसका बना होता है, कशक या मशक, क्या पूछ रहे हो आप, क्योंकि ये स्पेलिंग से तो कोई वर्ड नहीं होता, कशक, कशक क्या होता होगा, नहीं कशक मेरे माइंड में, मेरी डिक्शनरी में नहीं आ रहा कुछ भी, या तो आप मशक पूछ रहे हैं, अगर आप मशक पूछ रहे हैं तो वो जानवरों को मार के उनकी खाल का बना देते हैं लेदर से, ठीक है। अब बताएं जल्दी से, कुछ लोग कह रहे हैं भाई शक्कर खोरा, कुछ लोग कह रहे हैं हमिंग बर्ड शक्कर खोरा, कुछ लोग कह रहे हैं वीवर बर्ड, मतलब कुल मिला के कन्फ्यूजन है किस बात में, कि लटका हुआ घोंसला कौन बनाता है। अब यहाँ सुनो, जो वीवर बर्ड होता है ना उसको कई लोग बया भी बोलते हैं, बया, ठीक है, और जो शकर खोरा होता है उसे आप क्या बोलते हो भाई, उसे आप सनबर्ड भी बोलते हो, सनबर्ड। अब ये दोनों ही पक्षी कैसे हैं, ये दोनों ही पक्षी ऐसे हैं कि अगर ये पेड़ की टहनी है तो इनका घोंसला कुछ इस प्रकार का होता है, कई बार जो चिड़िया है वो यहां से जाएगी, और एक और प्रकार का इनका घोंसला होता है जो अधूरा होता है, इस तरीके से होता है। तो ये दो प्रकार के इनके घोंसले पाए जाते हैं, दोनों ही घोंसले क्या हैं, दोनों ही घोंसले लटके हुए हैं, दोनों ही घोंसले हैंगिंग नेस्ट हैं। तो ये जो सनबर्ड है जिसे शकरखोरा कहते हैं, शकरखोरा एक्चुअली हम पर्पल सनबर्ड को बोलते हैं, तो वो भी लटका हुआ घोंसला बनाता है,
और जो ये वीवर बर्ड है जिसे हम बया कहते हैं, ये भी लटका हुआ घोंसला बनाती है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि दिखने में बहुत ही अच्छा जो लगता है वो वीवर बर्ड का होता है, और जो सन बर्ड का घोंसला होता है वो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। मतलब उसमें सूखी पत्तियां कुछ ज्यादा डाल दी जाती हैं सन बर्ड की तरफ से, लेकिन ये जो वीवर बर्ड है ये सूखी पत्तियों का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ये सूखी हुई घास का ज्यादा इस्तेमाल करता है। समझ रहे हो? तो ये इन दोनों में फर्क होता है। बाकी आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अभी अभी आपको एक लिंक मिला होगा मेरी तरफ से, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। तो मेरे हिसाब से कीर्ति रानी, आपका जो सवाल था उसका आंसर आपको मिल गया है, दोनों ही लटका हुआ घोंसला बनाते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। संजय कुमार पूछते हैं, मधुमक्खी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और कुछ नर मक्खी भी होती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह की महक छोड़ती है और उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। तीसरा ऑप्शन कहता है, ये ना हो तो छत्ता बने, ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना शहद इकट्ठा हो, शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी मर जाए। डी ऑप्शन, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। अब बताएं जल्दी से, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? अच्छा, अक्षय यादव कह रहे हैं मशक। हाँ जी बिल्कुल, तो मशक के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लो हिरण है, अब शिकार पे रोक लगा दी गई है, लेकिन पहले का जो समय हुआ करता था उस समय पर क्या होते थे कि जो पशु होते थे ना, छोटे मोटे पशु, उनको छोटे मोटे में इतने भी छोटे नहीं, मतलब मीडियम साइज के, जैसे भेड़ बकरी इस टाइप के, तो उनको मार के उनकी खाल का चमड़ा बनाकर उनके जो हाथ पैर होते हैं उनको सिल दिया जाता था, और गर्दन को खा या पैर को खाली छोड़ दो, गर्दन को सिल दो, कोई भी एक काम कर लो, ठीक है। उसके बाद उसमें पानी भरा जाता था, और एक खास प्रकार की जो है जनजाति हुआ करती थी जिसको हम कहते थे भिष्टी। ये जो भिष्टी होते थे, इनका काम होता था गांव में अलग अलग घरों से ऑर्डर लेना। किस चीज का ऑर्डर लेना? कि गर्मियों के समय में जो घर होते हैं उनके बाहर चिक लगी होती थी। चिक मतलब जैसे मान लो कि कुछ लकड़ी घास फूस के दरवाजे टाइप मान लो, या चटाई टाइप मान लो, उनको गीला करने की, मतलब गर्मी में उन पे छिड़काव कर दोगे तो वो ठंडे रहेंगे, घर ठंडे रहेंगे अंदर से, तो इस टाइप का हुआ करता था। तो भिष्टी का काम होता था उस खाल की बनी मशक में पानी भर के उस पे छिड़काव करना। साउंड कम है? साउंड कम तो नहीं होनी चाहिए भाई। अरे कहाँ गया, ज्यादा साइड हो गया क्या? आज सिर्फ साउंड की दिक्कत नहीं, आज बालों की भी दिक्कत है। गलत टाइम पे शैम्पू कर लिया। अब मेरे हिसाब से आपको ठीक आवाज आ रही होगी, अब ठीक आवाज आ रही है आपको? अगर अब आवाज ठीक है तो जल्दी से यस टाइप कर दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताएं, जल्दी से। शाइन प्रवीण कहती है, सर मुझे दो क्वेश्चन डाउट हैं, प्लीज क्लियर कर दीजिए। क्वेश्चन तो हो सामने, अगर इस सवाल में क्वेश्चन पूछा होता तो मैं बता देता। चलो ठीक है, अब अगर आवाज ठीक है तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या आंसर होना चाहिए था? मैंने तो आप लोगों का आंसर ही नहीं देखा। काफी लोग कह रहे हैं इसका आंसर ए होना चाहिए। ए कैसे हो जाएगा भाई इसका आंसर? कौन है जो ए कह रहा था? पकड़ लो इसे, इसे पकड़ लो, और इसे कहीं भागने मत देना, ठीक है। जो जो भी ए कह रहे हैं ना, उन सबको पकड़ लो। अब मेरी बात सुनो, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, बिल्कुल सही बात है। उसका काम होता है अंडे देना, बिल्कुल सही बात है, और कुछ नर मक्खियां भी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह की महक करती है, महक नहीं करती, वो क्या करती है? वो डांस करती है। अब मान लो आपने अपने पापा को ये बोला कि मुझे कोई भी सस्ता सा चाइनीज फोन दिला दो, ठीक है। उसके बाद आपके पापा ने आपके बर्थडे पे अचानक से आपको iPhone 11 गिफ्ट कर दिया। अब आप खुशबू छोड़ने लग जाओगे कि आप नाचने लग जाओगे? बताओ, नाचोगे ना? बहुत सिंपल सी बात है, आपने जो चीज मांगी थी उससे कहीं ज्यादा आपको मिल गई, वो भी अचानक से सरप्राइज में, तो महक नहीं छोड़ने लग जाओगे, तो नाचने लग जाओगे, ठीक है। तो ये मधुमक्खी भी वही करती है, ये महक नहीं छोड़ती, ये डांस करने लगती है। तो इस वजह से क्या पूछा गया था कि गलत ऑप्शन कौन सा है? तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है? वो गलत ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा आगे चलो, मैं इसको और भी बता देता हूं।
ठीक है, मधुमक्खियां ना हो तो छत्ता भी नहीं बनेगा, शहद भी इकट्ठा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, और बाकी सब भूखे भी मर जाएंगे। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं मधुमक्खियां, बिल्कुल ठीक, और नर मक्खी जो होती है वो छत्ते के लिए कुछ खास नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या होती हैं कि एक होती है मादा, मादा तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे रानी, एक होती है रानी, और उसके बाद कुछ होती हैं नर मक्खियां, नर मक्खी, उसके बाद होते हैं कुछ रक्षक, रक्षक मतलब जो बाहर खड़े रहते हैं, उसके बाद कुछ होती हैं क्या बोलते हैं उन्हें, लेबर को क्या बोलते हैं, लेबर को बोलते हैं मजदूर, मजदूर। तो जो मधुमक्खियां आप देखते हो ये होती हैं मजदूर, ठीक। उसके बाद रक्षक होते हैं जो सिर्फ छत्ते के बाहर रहते हैं, जो आईडी कार्ड देखकर एंट्री देते हैं सभी को। नर होते हैं बिल्कुल आलसी, बिल्कुल फालतू, इनका काम कुछ नहीं होता, नाम के होते हैं, और रानी का खाली एक ही काम होता है, बस अंडे देते रहो देते रहो देते रहो, ठीक। तो इस तरीके से इनका पूरा परिवार होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, संजय कुमार की ही तरफ से एक और सवाल है, और सवाल क्या है इनका, रेगिस्तानी योग के संबंध में एक कथन गलत है। अरे भाई सारे मतलब यही क्वेश्चन, गलत कौन सा है, सही वाला भी पूछा करो। आगे है भाई, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तान ओक है, बी ऑप्शन, इसकी जड़ें जमीन में 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लटा दिए जाएं, इतनी लंबाई, इतनी गहरी जड़ें होती हैं, या फिर सी, ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और पत्तियां बहुत अधिक होती हैं, डी ऑप्शन, वहां के लोग इससे इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। हाँ, श्रमिक कहते हैं, अलका गौतम ने बिल्कुल सही बताया भाई, जो मजदूर मक्खी मैंने बताई थी उसको श्रमिक बोलते हैं, बिल्कुल सही, पर मजदूर का भी तो वही मतलब होता है, मतलब शुद्ध हिंदी बता दी बस, ठीक है, अच्छी बात है। खुद को वीडियो में देखना आज बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, आंखों में बाल घुसे जा रहे हैं। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। राखी धीमन कह रही है सर का नंबर कमेंट किया है, चलो ठीक है भैया, अगर कोई मेरा नंबर मांग रहा है तो मैं नंबर बता देता हूँ, 8448436008, इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना, क्योंकि इस पे कॉल्स नहीं उठाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ मैसेज करना है आपको। कुछ लोग कह रहे हैं सी आंसर होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं डी आंसर होना चाहिए, और सर इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में सेंड करूंगी, कल क्लियर कर दीजिए प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शाहिन जी बिल्कुल, अब बताएं भाई जल्दी से, काफी लोग कह रहे हैं इसका सी आंसर होना चाहिए, मेजोरिटी सी कह रही है ना, कुछ लोग कह रहे हैं डी आंसर, बाकी सब कह रहे हैं सी आंसर। तो देखो जिन्होंने डी बोला है उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, तो वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ये जो रेगिस्तानी ओक है जिसको डेजर्ट ओक बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इसे डेजर्ट ओक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जमीन के नीचे इसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 गुना गहरी होती हैं जितना ये ऊपर दिखाई देता है, ये तब तक पानी नीचे जाती रहती हैं जमीन में जब तक कि पानी ना मिल जाए, चाहे कितना ही गहरा पानी हो फिर, ठीक। तो ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद है भाई, यह पेड़ के तने में, अच्छा पानी पेड़ के तने में इकट्ठा होता है और पत्तियां बहुत अधिक होती हैं। देखो ऐसा है, पानी इकट्ठा होता है अच्छी बात है, लेकिन पत्तियां अधिक नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा पत्तियां उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन किसे बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन को बोलते हैं, मतलब पत्तियों के द्वारा पानी का भाप बनकर उड़ जाना। तो अगर रेगिस्तान में है वो, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑलरेडी पानी की कमी है, तो पत्तियां कम होंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो पत्तियां ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद है भाई, वहां के लोग इसके तने में पतला सा पाइप डाल के पानी पी जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी, क्यों, क्योंकि बात हो रही है रेगिस्तानी ओक की और पत्तियां ज्यादा नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अनीता वर्मा का, अनीता वर्मा क्या पूछती हैं, किस जगह माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं, गुजरात, मिजोरम, मलयालम और लद्दाख, बताएं जल्दी से कहाँ कहते हैं भाई, बताएं जल्दी से। जल्दी से देखें और बताएं कहाँ कहा जाता है। मेजोरिटी कह रही है भाई कि इसका आंसर सी होना चाहिए,
वैसे एक आध बार ना थोड़ा सा गलतियों को पकड़ भी लिया करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या बोला गया था, किस जगह? मलयालम जगह है क्या? खुद बताओ, क्या मलयालम जगह है? तो मतलब क्वेश्चन जो है वो सही डिजाइन नहीं हुआ है। ये कह सकते थे कि कौन सी भाषा में, तो या तो फिर सारी भाषाओं के नाम दिए होते, या फिर अगर जगह बोली गई है तो ये बताया होता कि मलयालम कहाँ बोली जाती है। चलो जल्दी से इसी बात पे ये बता दो कि मलयालम कहाँ बोली जाती है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। अनीता जी थोड़ा सा ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं भाई। राखी धीमन, इनका क्या सवाल है भाई, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ओमनीवोर्स? ओमनीवोर्स मतलब सर्वाहारी, किनको बोलते हैं? सर्वाहारी को। तो इनमें से कौन से जानवर जो हैं वो सर्वाहारी हैं, ये बताना है आपको। गॉट और ह्यूमन बींग, या ह्यूमन बींग और कॉकरोच, या कॉकरोच और ईगल, या फिर ह्यूमन बींग और ईगल, बताएं जल्दी से, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी से बताएं भाई। गर्मी बहुत हो गई है आज, बहुत ज्यादा हो गई है। काश ये ऑफलाइन क्लास होती, किसी एक एक नहीं दो स्टूडेंट को, एक को इस साइड खड़ा किया जाता, एक को इस साइड, और हाथ में कोई भी न्यूज़पेपर देके हवा करवाई जाती। फिर कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही बात, वली अम्मा और अमू अम्मा बोला जाता है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से चाचा को भी कुछ बोला जाता था, मैं भूल गया नाम, क्या नाम यूज़ करते थे। तो ये कुछ तीन चार जो वर्ड हैं ये आप याद रखें। इसके अलावा कौन से औजार, औजार को क्या बोलते हैं, खूंटी क्या होता है, और कुर्ग क्या होता है, और ये जो एक आध चीज़ें होती हैं उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बताओ जल्दी से, काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई इसका आंसर बी होना चाहिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं इसका आंसर डी होना चाहिए। बी और डी में कन्फ्यूजन, डी वाले गलत सोच रहे हैं। क्योंकि देखो ईगल जो होता है, क्या आपने किसी चील को कोई फल, कोई घास, कोई पत्ती खाते हुए देखा है? बिल्कुल भी नहीं। ईगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको खाती है, छोटे पक्षियों को खाती है, छोटे जानवरों को खा जाती है, अलग अलग चीज़ों को खाती है, लेकिन इसे खाने के लिए चाहिए मांस, समझ रहे हो? मांस चाहिए इसे, मीट चाहिए इसे, कोई भी किसी भी टाइप का मांस चाहिए इसे। तो ये क्या हो गई, ये एक तरीके से मांसाहारी है, ये सर्वाहारी नहीं हो सकती, ये ओमनीवोर्स नहीं हो सकती। तो ओमनीवोरस कौन है? एक तो इंसान है, इंसान क्या करता है, नॉनवेज भी खाता है, वेज भी खाता है, और दूसरे कॉकरोच होते हैं। जैसे कॉकरोच जो है वो किसी भी चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं, मिठाई सामने रख दो मिठाई को भी खा जाएंगे, और कोई ऐसी सड़ी गली चीज़ है उस पर रख दो तो वो भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। इनका ही एक क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद मैं एक अच्छा सा कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। दो एग्जाम्पल हैं प्लांट रूट के, जैसे कि हम खाते हैं टर्निप और कैरेट, मतलब गाजर, तो एक और नाम बताओ जो क्या हो, जो प्लांट की रूट है, जो जड़ है। बीन्स, स्पिनच, रेडिश या लेडी फिंगर, बताएं अब जल्दी से, जल्दी से बताएं। जब मैंने बचपन में पहली बार ये नाम पढ़ा था ना, तो कभी भी भिंडी की वो नहीं बनी मेरे दिमाग में, क्या बोलते हैं, शक्ल नहीं बनी बनी हमेशा क्या शक्ल बनती थी, उंगली की, वो भी किसी औरत की, मतलब लेडी फिंगर, औरत की उंगली। ये सच्ची, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो कुछ भी सोच सकते हैं, तो हमेशा मैं इंसान की उंगली ही सोचता था, औरत की उंगली, कभी कभी भी दिमाग में ये नहीं आया इसको देख के कि ये भिंडी होती होगी। ठीक है भाई, काफी लोग कह रहे हैं रेडिश होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब चलो मैं जो आपको कह रहा था कंसेप्ट, वो कंसेप्ट मैं जरा आपको बता देता हूँ। देखो कई बार क्या होता है, कई बार दिमाग में क्या आता है कि जो जमीन के नीचे उगे वो क्या होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए। तो जमीन के नीचे क्या उगता है, जमीन के नीचे आलू उगता है, जमीन के नीचे और क्या उगता है, जमीन के नीचे प्याज उगता है, जमीन के नीचे और क्या उगता है, जमीन के नीचे गाजर उगती है। अब इन तीनों में से ये कैसे समझा जाए कि अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है, और रूट कौन सी है, और क्या कौन सा है, मतलब कि जो आलू है वो क्या बताया गया हमें, हमें बताया गया कि ये भूमिगत तना है। ये क्या है, भूमिगत तना,
तो ये तो बड़ी गलत बात है। बचपन से हमें पढ़ा रहे थे कि धरती के नीचे जो होती है वो जड़ होती है, धरती से ऊपर पहले तना होता है, फिर उसके बाद पत्तियां होती हैं, फिर फूल लगेगा, फिर फल लगेगा, ऐसे तो सिखाया गया था। पर उसके बाद आलू की बारी आई तो बोले कि नहीं, ये वो तना है जो जमीन के नीचे होता है। मतलब पढ़ाई को ही चेंज कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद गाजर, गाजर भाई ये भी जमीन के नीचे है, लेकिन ये क्या है, ये जड़ है। अब हम कैसे मान ले कि कौन सी जड़ है और कौन सा तना है? ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सा भूमिगत तना है और कौन सी जड़ है? कैसे समझ में आएगा? तो वो ऐसे समझ में आएगा कि आपको बस इमेजिन करना है कि वो सब्जी आपके पास है। मान लो आलू आपके घर में है। आप ये देखो कि आलू जब थोड़ा सा हरा आ जाता है कभी कभी घर में, तो उसमें से छोटी छोटी हरी बर्ड्स निकलती हैं या जड़ों के धागे निकलते हैं। खुद सोचो। उसके बाद गाजर है भाई, गाजर के साइडों में से धागे निकलने आपको दिखाई देते हैं, या फिर हरे हरे बहुत छोटे छोटे बड्स या पत्तियां दिखाई देती हैं। तो जब आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा भूमिगत तना है और कौन सी जड़ है। जो जड़ होती है उसमें हमेशा, जैसे मान लीजिए कि ये गाजर है, ये इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां, अब ये जो बाकी है इसमें बहुत छोटे छोटे धागे आपको दिखाई देंगे, चाहे वो मूली हो चाहे वो गाजर हो, ठीक है? तो ये क्या है, ये हो गई जड़। अब उसके बाद मान लीजिए कि यहां एक क्या है, यहां एक आलू है, तो आलू में कभी भी धागे नहीं निकलते, हमेशा इस तरीके की छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं, इस तरीके की। तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या दर्शाती हैं कि ये पत्तियां निकल रही हैं। पत्तियां कहां से निकलती हैं? तने से निकलती हैं। तो ये क्या हो गया, भूमिगत तना। तो फिर प्याज क्या है, जल्दी से बताओ, प्याज क्या है भाई, बताएं जल्दी से, बहुत जल्दी से बता दो कि अगर ये दोनों समझ में आ गए तो प्याज क्या है फिर, बताएं। और कुछ लोगों को तो भाई इतना मजा आता है खामखा पनीर का नाम लेने में कि मैं मटर पनीर खा के वीडियो देख रही हूं। बताओ बताओ, पनीर का नाम लेने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? खामखा मुझे भी भूख लग जाएगी अब, है कि नहीं? उसके बाद घर पे बने मेरे टिंडे, टिंडे खाने का दिल नहीं करेगा, फिर उसके बाद भूखा रहना पड़ेगा। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हुई आरती पटेल आज की। अब जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं ये स्टेम है, कुछ लोग कह रहे हैं ये तना है। स्टेम और तना, अच्छा ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हो खाली। कुछ लोग कह रहे हैं रूट है, और किसी ने कहा था पत्ती, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। जैसे कि रचना जी कह रही हैं अभी, ये प्याज क्या है भाई, प्याज पत्ती है, पत्ती का एक रूप है। जैसे वो सारी सब्जियां जिनके छिलके उतरते हैं और अंत तक छिलके ही उतरते रहते हैं, वो क्या होती हैं, एक प्रकार की पत्ती होती हैं। जैसे पत्ता गोभी देखा है ना आपने, उसके ऊपर से छिलके उतरते रहेंगे उतरते रहेंगे उतरते रहेंगे, बीच तक पहुंच जाओ फिर भी छिलके ही उतरते रहेंगे। तो सेम होता है प्याज, प्याज के भी छिलके उतरते रहते हैं, वो क्या होती है, एक प्रकार की पत्ती होती है वो, ठीक है? तो अब मेरे हिसाब से भविष्य में कभी भी इस प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, ठीक? आगे बढ़ जाते हैं। जितने भी लोगों को भाई समझ आ गया हो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट है कुमारिश्क का क्वेश्चन, 23 घंटे पहले पूछा था। कलचिड़ी अपना घोंसला कैसे बनाती है? घोंसला पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, इन सब से बना होता है, या फिर लोहे की तार आदि से बना होता है, या फिर ऊंची डाल पर बनाती है, या फिर बनाती ही नहीं है? बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। और टेलीग्राम का लिंक आपको भाई कमेंट सेक्शन में बार बार मिल रहा होगा। जितने भी लोगों ने ज्वाइन ना किया हो ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है, कभी 15 मिनट लेट आ रही है, कभी आधा घंटा लेट आ रही है, तो आपको इंतजार ना करना पड़े उसके लिए पहले ही आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाता है कि अब 5 मिनट बाद होगी या 10 मिनट बाद होगी, तो उस तरीके से बता दिया जाता है, और साथ ही साथ लिंक भी सेंड कर दिया जाता है। काफी लोग कह रहे हैं भाई इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कलचिड़ी को क्या बोलते हैं? कलचिड़ी को बोलते हैं रॉबिन, जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए रॉबिन बोलते हैं, इंडियन रॉबिन। तो घोंसला जो होता है वो क्या कैसे बनाती है, वो जड़ ले लेती है, नाजुक टहनियां ले लेती है, ऊन, बाल, रुई सब बिछा लेती है, मतलब ये मखमल का गद्दा बना के उसके बाद रहती है। अच्छा, और ये घोंसला कहाँ बनाती है? ये घोंसला बनाती है पत्थरों में, मतलब जब इसको अंडे देने होते हैं तब उसके बाद
ये कहाँ बनाती है? पत्थरों के आसपास में। अच्छा, उसके बाद भाई लोहे की तार से घोंसला कौन बनाता है? लोहे की तारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। देखो, भी और ही में फर्क है। एक होता है लोहे की तारों से भी बनाना, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी उनमें से एक लोहे की तार भी होगी, और ही का मतलब क्या होता है, और कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ लोहे की तार इस्तेमाल होंगी। तो ये जो घोंसला है ये लोहे की तारों का भी प्रयोग करता है, ठीक है? मतलब क्रो, कौवा। ऊंची डाल पे कौन बनाता है भाई? ऊंची डाल पे या ऊंचे चट्टानों पे जो है वो बनाती है, क्या बोलते हैं, चील, बाज, ये सब बनाते हैं। और नहीं बनाती ये कौन होती है? ये जो आलसी है ये कौन होती है? कोयल। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है प्रशंसा कुमारी, इनका क्या सवाल है? दूषित जल पीने से होने वाले रोग, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या फिर ये सभी, बताएं जल्दी से, जल्दी से बताओ। ये काउ काउ बोल के पेंगविन कौन छाप रहा है भाई? राखी सेठी। अच्छा जी। अच्छा, वैसे पेंगविन के बारे में आपको एक बहुत ही बढ़िया सा तथ्य बताऊं। पेंगविन क्या है? पानी में तैरता है, लेकिन असल में वो क्या है? असल में वो एक पक्षी है। पता है आपको, दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। पहला पक्षी कौन है? कीवी। कीवी बहुत छोटा सा पक्षी होता है और वो उड़ नहीं सकता। दूसरा पक्षी कौन सा होता है? दूसरा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, जो बहुत बड़ा होता है, जिसका अंडा पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक सिंगल अंडा होता है, सिंगल सेल वाला अंडा। अच्छा, उसके बाद तीसरा कौन? तीसरा होता है पेंगविन। पेंगविन भी पक्षी है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। ठीक, तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। काफी लोग कह रहे हैं भाई डी आंसर होना चाहिए, और नीतीश राय कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम भाई। अब यहां देखो, ये इसका सही आंसर क्या हो गया? ये सभी, मतलब हैजा जो है वो भी क्या करता है, वो भी दूषित पानी की वजह से होता है, टाइफाइड भी दूषित पानी की वजह से होता है, और हेपेटाइटिस के अलग अलग रूप होते हैं वैसे तो, पर ये लीवर को प्रभावित करता है और ये दूषित पानी से होता है। लीवर से संबंधित जो रोग होते हैं वो आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑलमोस्ट दूषित पानी की वजह से होते हैं। दूषित पानी, दूषित खाना, या खाना बनाते समय दूषित पानी का इस्तेमाल करना, ये सब। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, सुनो। एक जो मेरे साथ एक घटना अभी घटी या घटने वाली थी, बहुत ही खतरनाक वाली, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी हंसी आ गई याद करके। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप सभी को पता है। तो क्या है कि हमारे घर से कुछ किलोमीटर आगे जाके एक मुरथल नाम की जगह है, जहाँ कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे हवेली या सुखदेव, तो इस टाइप के अलग अलग रेस्टोरेंट है। तो पहले क्या करते थे हम कि सारे के सारे फ्रेंड्स मिलके सुखदेव पे चले जाते थे और वहाँ पराठे वराठे खा के आते थे अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया खाना बनता वहाँ और थोड़ा सा माहौल भी अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि अभी कुछ 15 दिन पहले की बात है, मेरा बहुत दिल था, मैंने हालांकि मैं इतने दिनों से बाहर कुछ खास निकला नहीं, तो इंसान कब तक रोके खुद को, 6 महीने होने वाले हैं, घर के अंदर बंद हूँ, उतना ज़्यादा बाहर निकलता नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार रिस्क लेंगे और बढ़िया तरीके से घूम के आएंगे, सुखदेव जाएंगे और खा पी के आएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक ने मना कर दिया और कसम खाली, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद हम नहीं गए। अब जब रह गए तो 3 दिन के बाद अखबार में खबर आती है कि सुखदेव में जो स्टाफ था और जो खाना खाने गए थे उसमें से 65 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसा दिल बैठ गया, ऐसा दिल बैठ गया, हे भगवान हे भगवान। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई धन्यवाद उसे जिसे जिसने हमें रोक दिया। तो क्या सवाल था आपका? हाँ, सवाल था प्रशंसा कुमारी का, पानी गैस तरल और ठोस रूप में कहाँ उपलब्ध होता है? हाइड्रोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में या हेमीस्फीयर में? बताएं जल्दी से, मतलब सोच सोच के हंसी आती है कि 6 महीने में एक गलती करनी थी और वो एक गलती भी कितनी बड़ी करनी थी, बस बच गए किसी तरीके से। अब जल्दी से बताओ कि, जल्दी से बताओ। पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में, गैस, तरल और ठोस अवस्थाओं में कहाँ पाया जाता है, बताएं जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात, बाल बाल बच गए, और वो एक डायलॉग था ना कि मौत को छू के टक से वापस आ गए, ऐसा ही मान लो कुछ। अब जल्दी से बताओ। पल्लवी कुमारी जी कह रही हैं कि ऐप ओपन नहीं हो रही है, क्या करें?
ऐप ओपन नहीं हो रही है तो भी एक सेम काम करें, 8448436008 इस पर व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करने के 3 घंटे के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या कहें। लेकिन बस ये है कि व्हाट्सएप ऐसे समय पे किया हो जिस समय पे जागा जा रहा हो इंसान से। आप बताएं भाई जल्दी से, ठीक है। काफी लोग कह रहे हैं भाई ए आंसर होना चाहिए, काफी लोग कह रहे हैं बी आंसर। बी कौन कह रहा है भाई, पकड़ो। दामोदर प्रसाद कह रहे हैं बी आंसर। बी आंसर कैसे, बी आंसर कैसे, आपको स्वर्ग में कैसे जगह मिलेगी? आपको स्वर्ग में नहीं जाने दिया जाएगा कभी भी अगर आपने इसका आंसर बी दिया है। तो इसका आंसर क्या है भाई, देखो पहले तो इन चीजों को समझ लो कि ये है क्या। हाइड्रोस्फीयर होता है जलमंडल, जलमंडल मतलब जहां जल पाया जाए, मतलब जहां गैस है, तरल है, ठोस है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये क्या है, ये पानी है, तो इसे हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, इसे जलमंडल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, ये क्या होता है, ये हमारे वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनमें से एक परत होती है, ठीक है। ये कौन सी परत है, जहां आपको ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन लेयर जो है वो क्या काम करती है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये ओजोन लेयर वाला किस्सा है, इसमें ओजोन गैस मिलती है, गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन, एक होती है गुड ओजोन। अगर ओजोन गैस हमारे शोभ मंडल में पाई जाए, सबसे पहली परत में पाई जाए, तो बिल्कुल गलत है, और अगर वो गैस स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद है भाई मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या होता है, इसे बोलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल किसे बोलते हैं भाई, हमारी जो गैसेस की परत है उसमें से तीसरी परत होगी ये, हाँ। उसके बाद है भाई हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बोला जाता है जो हमारी, ये मान लो ये पृथ्वी है ना, इसको बीच में से काट दो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या हो गया, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये उत्तरी क्या बोलते हैं, अर्धगोल, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, मतलब जो आधा गोला होता है उसे बोलते हैं, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी, ठीक है। हाँ गोलार्ध बोलते हैं, गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है खुशबू जहां का सवाल है भाई, कौन एक जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या फिर अपघटन करता, बताएं। अपघटन तो एक प्रोसेस होती है, इसके आगे लिख देते करता, अपघटन करता। अब बताएं जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। सर जी मेरा क्वेश्चन नहीं लेते हो, मैं नहीं पूछूंगी अब। अब मैं ऐसे कमेंट्स का देखो, मैं स्टार्टिंग से एक ही जवाब देता आया हूं। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी को ये लगे कि मैं पर्टिकुलरली किसी एक को इग्नोर करता हूं, या किसी एक की बात नहीं सुनता हूं, या क्वेश्चन नहीं लेता हूं, या जवाब नहीं लेता हूं, तो धन्य हैं आप, और बस ठीक है, आपकी सोच है भाई, आप कुछ भी सोच सकते हैं। आज़ाद भारत में रह रहे हो, मुंबई महाराष्ट्र में होते तो ठीक है, आवाज़ दबाई जा सकती थी, आप यूपी में रहते हो शायद, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब बताओ जल्दी से भाई क्या आंसर होना चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई इसका आंसर होना चाहिए डी, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो ये किस चीज़ का एक हिस्सा है, ये जब मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था फूड चेन, फूड चेन मैंने पढ़ाया था, खाद्य श्रृंखला जिसको कहते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया, जैसे मान लो एक घास है, घास को कौन खा गया, घास को खा गया ग्रास ओपर, ग्रास ओपर मतलब टिड्डा, ठीक है, ग्रास ओपर। उसके बाद इस ग्रास ओपर को कौन खा गया, फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक को कौन खा गया, स्नेक, ठीक। उसके बाद स्नेक को कौन खा गया, काइट, और काइट मर गई, उसके बाद जमीन पे गिर गई, जमीन के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्होंने खा के इसे कर दिया खत्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये है प्रोड्यूसर, क्या है प्रोड्यूसर, मतलब ये है उत्पादक, ये खाना बनाता है। उसके बाद ग्रास ओपर, ये क्या है, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन्हें बोलते हैं। फिर इसे जिसने खाया वो क्या हो गया, सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर उसे जो खा जाएगा वो क्या हो जाएगा, तृतीयक,
मतलब टर्शरी, ठीक है। उसके बाद जो काइट है ये क्या हो गया भाई, ये हो गया शीर्ष उपभोक्ता मतलब टॉप कंज्यूमर। उसके बाद जो लास्ट जिसने इसे खत्म किया है वो क्या हो गया, अपघटनकर्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक। कोशिश की भाई आप लोगों को समझाने की, अगर समझ में आया हो तो एक बार यस टाइप कर देना। आगे बढ़ते हैं, खुशबू जहां का ही एक और सवाल है। भारतीय में, अच्छा भारतीय नहीं भारत में, इनका पता है क्या, खुशबू जहां क्या है कि उर्दू की स्टूडेंट रही हैं तो उनको थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा उनके साथ कॉपरेट करेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आगे क्या लिखा हुआ भाई, कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, प्रोग्राम किस वर्ष में आरंभ किया गया था, 1982, 81, 73 या फिर 2050। ओ भाई साहब, अरे ये ऑप्शन देखो बस, बाकी सब छोड़ो, ऑप्शन देखो, मतलब कि क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले। चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं भाई। ये मानो कि इस क्वेश्चन के खाली तीन ही ऑप्शन है, बताएं अब जल्दी से, जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसका। ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर म्यूजोस्फियर आयनोस्फियर एक्सोस्फियर। बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की आपने, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो शेयर की, बहुत बढ़िया। अब बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। काफी लोग कह रहे हैं भाई 73, 73 और सी ऑप्शन। किसने कहा, दो किसने कहा, नीतू साहू, नीतू साहू को पीटो। इतने समय से आप रेगुलर स्टूडेंट हो, उसके बाद भी गलत करोगे, कैसे चलेगा, कैसे ही चलेगा। नीतू जी जवाब दो, मुझे देख के नहीं, आईने में देख के जवाब दो आप, ठीक है। तो यहाँ क्या आंसर होगा भाई, यहाँ आंसर होगा थर्ड, 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका आरंभ किया गया था। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना, एक जो हैली नेशनल पार्क हुआ करता था उसको देख लेना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे देख लेना। उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे जो फेमस जो आपके नेशनल पार्क होते हैं वो कौन से स्टेट में हैं और वो किसको संरक्षण देते हैं वो देख लेना, जैसे काजीरंगा या सुल्तानपुर, इस टाइप के कुछ और नेशनल पार्क हैं उनको देख लेना एक बार। और आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट में है और कौन से जानवर को संरक्षण देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ भाई साहब कितने पूछे हुए हैं भाई आज, आगे देखते हैं। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब तब जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या ये सारे ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, बताएं। अंजलि जी धन्यवाद, धन्यवाद, जल्दी से बताएं अब इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर वैसे फेमस किस चीज के लिए पता है, कि कुछ क्या बोलते हैं उन्हें जो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड आते हैं और यहाँ रुकते हैं और उसके बाद फिर से वापस चले जाते हैं। ये दो जगह थी, एक केवला देव नेशनल पार्क भी था जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ भी कोई जो ये होते हैं माइग्रेटरी बर्ड हैं वो आते हैं शायद से, तो वो देखें थोड़ा। मोनिका जोशी कहती हैं कि स्थिर रहती है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप आंसर दे पाओगे, आप बिल्कुल आंसर दे पाओगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप बिल्कुल आंसर दे पाओगे, हल्का सा लॉजिक, हल्का सा। जल्दी से बताएं भाई, काफी लोग कह रहे हैं भी बढ़ती है, काफी लोग कह रहे हैं घटती है। वर्षा गुप्ता जी धन्यवाद। अब सुनो कि एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से आप इसमें लॉजिक ढूंढ सकते हो वो सुनो। ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जीव मिलना, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जीव मतलब जीव में क्या आ सकता है, जीव में पौधे भी आ सकता है, जीव में जानवर भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है, इंसान भी आ सकता है, सब आ सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक, और ये है हमारे ध्रुव, ध्रुव मतलब
कोई भी एक अपना कोना, कोई भी एक पोल। तो अब मान लेते हैं ये जो उत्तरी ध्रुव है, अगर आप यहाँ जाते हो तो इतने एरिया में तो आपको पूरी बर्फ ही बर्फ मिलेगी जो आजकल पिघलती जा रही है। तो इस बर्फ में आपको कितने आदमी देखने को मिलेंगे बताओ? मैक्सिमम कितने गिन लें? 1,000 गिन लें? 1,000 बहुत है, इससे ज्यादा आदमी नहीं मिलेंगे। पेड़ कितने मिलेंगे आपको? नहीं मिलेगा कोई भी पेड़। पक्षी कितने मिलेंगे आपको और पशु कितने मिलेंगे आपको? ठीक है, वो ठीक ठाक मिल जाएंगे लेकिन बहुत ही कम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लो, बहुत ही कम। उसके बाद आ जाओ आप भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा मतलब मान लो अफ्रीका के पास आ गए हो आप, ठीक है। अफ्रीका में आपको कितने सारे जो जंगल है वो मिलेंगे, कितने सारे पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, घास मिलेगी। घास गिनते गिनते बूढ़े हो जाओगे। यहाँ तो फिर भी गिनी जा सकती है, यहाँ तो गिनी ही नहीं जा सकती। तो कुल मिला के क्या है, यहाँ भीड़ लगी हुई है, यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। जो जंगल है ना, मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जंगल है वो भूमध्य रेखा के ही पास है, और सबसे बड़ी जैव विविधता यहीं होती है। तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, जो जैव विविधता है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को? अगर समझ में आ रही है तो यस टाइप कर देना। मेरा नेट नहीं चल रहा है रंकी यादव, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे कोने में आओ जहां थोड़ा सा नेटवर्क आ जाए, उसके बाद नेट भी चल जाएगा। और अगर फिर भी ना चले तो थोड़ा सा देखो कि आप दिन में कहाँ लगा रहे हो भाई अपने नेट को। ठीक, तो इस तरीके से जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बढ़ती जाती है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और ये डिफरेंस कोई थोड़ा बहुत नहीं है, यहां सबसे ज्यादा और यहां सबसे कम कंफ्यूजन वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजकुमारी कुशवाहा का ये सवाल है। आप ही ने कहा था ना भाई, जहां तक मुझे लग रहा है शायद से आप ही ने कहा था कि मेरा कमेंट नहीं लेते हो। अब बताओ, अब आप किसे क्या जवाब दोगे बताओ आप? मुझे तो खैर नहीं पता था कि मैंने आपका क्वेश्चन लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि मैं नाम देखे बिना क्वेश्चन ऐसे पिक करता रहता हूं। तो अब बताओ आप क्या जवाब दोगे? पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की जो खाड़ी है उससे कौन सा राज्य है जो कनेक्टेड नहीं है, जो जुड़ा हुआ नहीं है, ये बताना है आपको। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या बिहार, बताएं कौन सा है जो जुड़ा हुआ नहीं है, जल्दी से बताएं भाई। जी सर, आपने एक बार बताया है। हाँ जी बिल्कुल दामोदर प्रसाद जी, मैंने बिल्कुल बताया होगा। आप जल्दी से बताएं भी, जल्दी से बताएं। अब देखो राजकुमारी कुशवाहा आप हंस के दिखा रही हैं, पीटो इन्हें, कोई जो इनके घर के आसपास रहता हो भाई मेरी तरफ से जाके एक बार पीट देना। अब बताओ भाई जल्दी से, इसका क्या आंसर होना चाहिए? काफी लोग कह रहे हैं इसका आंसर होना चाहिए ए, ए मेजोरिटी कह रही है ए। मेजोरिटी कह रही है भाई इसका आंसर ए होना चाहिए। तो बिहार कहाँ से लगता है बंगाल की खाड़ी से, एक बार बताओ। बिहार कहाँ से कनेक्ट होता है बंगाल की खाड़ी से, एक बार बताओ। वैसे इसका आंसर कर्नाटक ही है, आंसर इसका कर्नाटक ही है। चलिए ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका। और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, बिहार को एक बार अरे क्वेश्चन खत्म हो गए। बिहार को एक बार सर्च करके देखना भाई कि वो कहाँ से बंगाल की खाड़ी से मिलता है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और जितने भी लोगों ने अभी तक मेरी वो वाली बात नहीं मानी है कि मैप को कैसे याद करना है, वो थोड़ा सा मान लिया करो भाई, कहाँ जाओगे बच के, माननी पड़ेगी बात है आपकी, भले की बात कहता हूँ। अपनी किताब के कवर पे, या फिर अपने बेड के सिरहाने पे, या फिर अपनी स्टडी टेबल के सामने, या अपनी कमरे के गेट पे, जहां भी आप लगा सकते हो भारत का नक्शा एक बार लगा लो, चिपका लो, और जब भी आपकी नजरें उस नक्शे से मिलें तो 1 मिनट तक रुकना है, उसे घूरना है अच्छे से, देखना है कि क्या चीज कहाँ है, और उसके बाद ये नहीं सोचना कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, बस चले जाओ वहां से। फिर उसके बाद घूमते फिरते जब फिर से नजरें टकराएंगी उससे तो फिर 1 मिनट के लिए देख लेना। इस तरीके से आपको समय के साथ साथ आपकी आंखों में उस नक्शे का फोटो खिंच जाएगा। पता है ना वो बात, सुनिए ना, कि नागिन की आंखों में फोटो खिंच जाता है जो नाग को मारता है,
तो वो सीन सच होता है। अच्छा अब सुनो, शिक्षा सागर एप्लीकेशन, इसे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर से। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है क्योंकि हमने बनवाई है। उसके बाद जाके पीडीएफ देखना, वहाँ पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सर्च करोगे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं कहाँ, इंस्टाग्राम पर, तो ये आईडी है मेरी, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आज दिन में जो क्लास हुई थी साइंस की, उसमें मैंने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार जाकर ज़रूर देखना। और कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बाइलिंगुअल बनाऊँ, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहे, तो उसकी पूरी पूरी कोशिश है, और कोशिश तो कामयाब होती है भाई एक ना एक दिन। तो एक बार जाना और फीडबैक देना, बताना कि कैसी है क्लास, और अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों को बताओ। अच्छी चीज़ें अपने मन में दबा के नहीं रखते, दूसरों तक पहुँचाते हैं, ठीक है? ताकि पुण्य मिले, और जो पुण्य मिलेगा उससे क्या होगा, सीटेट में ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है? तो सीटेट में ज़्यादा नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अजय सर की वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, ठीक? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरीके से भाई आज की हमारी ये क्लास रही, जो मैंने कोशिश की बहुत बढ़िया बनाने की। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जहाँ आपका दिल करे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फैला दो। ये मानो कि जिस जिसको भेजोगे, वो वाला एक मैसेज याद है आपको कि हनुमान जी ने एक सपने में आके संदेश दिया है, और ये मैसेज अगर 100 लोगों तक नहीं पहुंचाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ऐसी ही फीलिंग मन में लाना कि अगर ये वीडियो शेयर नहीं की तो कुछ ना कुछ तो बात है, ठीक है? तो इसी के साथ भाई क्लास को करते हैं ओवर। टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखें अपना, खुश रहें, पढ़ते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, ठीक? मिलते हैं कल आप लोगों से। कल एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है, इंतज़ार करें कल की वीडियो का। कल के पूरे दिन में एक ही वीडियो आएगी, क्यों? क्योंकि संडे है, और संडे के दिन क्या होता है, संडे के दिन होती है छुट्टी। कल संडे है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोलो कि सर आपको तो दिन भी नहीं पता, संडे है। हाँ संडे है कल, तो कल संडे है, कल आपको पूरे दिन में एक ही वीडियो मिलेगी जो सारी वीडियो के बराबर होगी, ठीक है? पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे, स्ट्रेटजी की वीडियो है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या सब कुछ मैनेज करना है, उन सब चीज़ों के लिए रहेगी। टेक केयर, गुड बाय।